अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है हमाद के साथ। उसकी 2OD की चीज़ें कुछ हम चेंज कर रहे हैं, रिम टायर चेंज करने थे तो स्प्रिंग वगैरह हमने लो स्प्रिंग पे शिफ्ट करना है और रिम टायर चेंज करेंगे। तो अभी हम आए हुए हैं I10 जाहिद भाई की शॉप पे और जाहिद भाई से अभी हमने स्प्रिंग पसंद की हैं, कॉइल ओवर भी उनने हमें दिखाए हैं, पर हम लो स्प्रिंग ही करेंगे चेंज, वो अभी आपको दिखाते हैं। हम खड़ी हुई है गाड़ी बड़ा हमाद और है जाहिद भाई। अभी हम चलते हैं शॉप के अंदर, अभी मैं आपको पहले दिखा दूँ ज़रा हम क्या चीज़ ले रहे हैं। तो ये मैक्स ब्रांड है और लो, ये इनने ब्रांड न्यू परचेज किए हुए थे जाहिद भाई ने, तो रिकमेंड ये किए कि हमें ये लगा लें। वैसे इस वक्त जो गाड़ी है वो इस वक्त SRS पे है और एक सेट ये भी पड़ा हुआ है SRS का। एक ये 2-way कॉइल ओवर है पर ये खाली फ्रंट का था, ये हमें मिल रहा था 27,000 का। ये ब्रांड न्यू स्प्रिंग्स जो हैं हमें मिल रहे हैं 14,500 रुपये के, ये मिल रहे हैं हमें 12,500 रुपये के। गाड़ी में इस वक्त जो है एनकायल लगा हुआ है रिम, और ये है 16 साइज़। इसमें हमने टायर प्रोफाइल मोटी लगाई हुई, अभी हम लगाने लगे हैं इस पर वर्क मोशन आर जो है हमने लिए थे मलिक उमर भाई से, तो वो लगाएंगे, उसके हिसाब से हमने ड्रॉप करनी है। असल में इसके कॉइल ओवर थे पर भाई साहब ने कहीं घुमा दिए 4-way कॉइल ओवर इसके घूम चुके हैं, तो अब ये कि हमने इसको ड्रॉप भी करना है फ़िलहाल। तो अभी साथ साथ काम चल रहा है, जाहिद भाई खोल रहे हैं शॉक्स, फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, पहले फ्रंट का स्टार्ट करते हैं। रिम अंदर पड़े हुए हमारे, दिखाते हैं आपको, वो देखें पैक हुए में सारे रिम। अच्छा बल्कि आपको पोशिश भी दिखानी थी मैंने गाड़ी की, हमने करवा ली थी पोशिश और कलर, जो ये आपको लेदर राइड का नज़र आ रहा होगा ये स्टेयरिंग से मैच हो रहा है और जो अपर डैशबोर्ड का पीस है उससे मैच हो रहा है। इसी के साथ हमने सेंटर कंसोल को भी पोशिश करवा दिया, स्टिचिंग अच्छी हुई है यानी कि उस हिसाब से, और ये फिलिंग वगैरह हमने करवाई है, ये हमने करवाई थी F10 में। आपने शायद मेरा एक रिव्यू देखा होगा निसान का B12 कूप थी, तो उसकी जहाँ से हुई थी स्टिचिंग वगैरह हमने वहाँ पे जाके कराया था। कोई रशीद पोशिश वाले हैं वहाँ F10 में, अगर आप जाते हैं तो इजीली आप देख सकेंगे। बाकी अभी टायर रिम उतारते हैं। इसके अलावा हमने ये कूलिंग प्लेट की एडिशन की है इसमें, ये हमने परचेज़ की थी अहमाद से, बस अहमाद जल्दबाजी में इसका ई भूल गया, यहाँ पर C120 आ गया, तो बस ये नई अपडेट्स हैं। अभी लगाते हैं स्प्रिंग चेंज करते हैं तो साथ साथ रिकॉर्ड करते रहेंगे। अभी जाहिद भाई लगाने लगे हैं शॉक इस साइड का, मैं आपको दिखा देता हूँ जिस पे एक हमने स्प्रिंग चढ़ा दी है, तो ये वाला है ये देखें। अब ये बेसिकली वैसे होता तो पेट्रोल के लिए यानी कि अल्टिस वगैरह के वेट के हिसाब से ठीक है, पर हम डीजल पर यूज़ कर रहे हैं इसको। लो स्प्रिंग आपको पता है यहाँ पे तो काबली ज़्यादातर मिलते हैं नए, उस हिसाब से हमारे यहाँ पे सामान कम ही होता है। जो हमने स्प्रिंग्स उतारे हैं वो ये रहे और ये मोटे हैं इसका, यानी कि आप मेटल भी जो बोलें तो ये ज़्यादा सॉलिड है, तो उसमें इतनी लचक नहीं है, जो अभी डाला है उसमें लचक थोड़ी ज़्यादा है। बाकी अभी देखते हैं हमारे मुताबिक हाइट आती है नहीं आती है, क्या सिनेरियो बनते हैं। ये अभी हमने निकाले दो रिम्स, ये रहे हमारे पुराने वाले रिम्स और ये रहे उससे पुराने वाले, पर दिखते कभी भी नहीं थे, ये अब दिख रहे हैं तो मेरा ख्याल कितने 2.5 साल बाद निकाले हैं ना, 2.5 साल बाद। तो ये परचेज़ किए थे मलिक उमर भाई से पेशावर से हमने, उस टाइम मेरा ख्याल कितने काम में सेट पड़ा था, एक 20 एक 30 35 टोटल है ना रिम टायर के साथ। इस वक्त ये अगर आप परचेज़ करते हैं ब्रांड न्यू, मिनिमम जो है 2.5 लाख रुपए आपके चले जाएंगे टायर के समेत। तो ये अभी फिट करते हैं तो देखते हैं, अल्लाह करे बस हमारा काम कंप्लीट हो जिसके लिए हम आए, फिटमेंट अच्छी बन जाए। ये रही आपके सामने, अभी हमने इस पर लो स्प्रिंग लगाए और इस वक्त अभी गाड़ी को थोड़ा आगे पीछे करेंगे ताकि थोड़ी सी एडजस्ट हो जाए। बोनट भी खुला हुआ है, असल में शॉक्स के नट उतारे में, तो आगे पीछे करेंगे ऊपर नीचे हो ताकि थोड़ी फिटिंग
वैसे बुरा नहीं लग रहा इस वक्त। तो ये आ रही है फिटमेंट इसकी, वैसे बुरी नहीं लग रही, पर ये कि प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ा सा गैप ज़्यादा फील हो रहा। फाइनली बैक के भी हमारे लग गए हैं लो स्प्रिंग और शॉक्स हमारे फिट हो गए हैं। ये पुराना रिम टायर पड़ा हुआ है, जाहिद भाई और वाजिद कर रहे हैं वापस इसके नट्स वगैरह टाइट शॉक्स के। तो अभी हमने गाड़ी थोड़ी सी आगे पीछे करनी है, देखनी है। बैक की फिटमेंट तो हमें समझ आ रही है इस वक्त, क्योंकि लो स्प्रिंग के हवाले से अगर देखें तो बहुत अच्छी फिटिंग हो गई है। बैक की तो बहुत अच्छी हो गई है, थोड़ा गैप है, वो गैप इसलिए देखें कॉइल ओवर नहीं है, रिम है 9JJ और इसके हिसाब से कॉइल ओवर पे ही फिटमेंट अच्छी बनती है। पर अभी हमने इनका कोई इवेंट है, फंक्शन है अपना फैमिली का, उसके हिसाब से थोड़ा गाड़ी को सेट करना चाह रहे थे। तो ये फिटमेंट हमारी बैक की है, फ्रंट का गैप थोड़ा ज़्यादा है, हालांकि दोनों चेक करें यानी कितना गैप है तो दो उंगलियों का गैप ही आ रहा है, पर फ्रंट थोड़ा सा उठा हुआ है। तो अभी देखते हैं गाड़ी आगे पीछे करते हैं क्या बनता है। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हमारी फिटमेंट होगी ये लो स्प्रिंग के रिगार्डिंग, और इस स्पेसिफिकली अगर इस मॉडल के हवाले से हम बात करें, इसके जो शॉक्स हैं ओरिजिनल है यानी कि लंबी लेंथ के होते हैं, उसके हिसाब से ये फिटमेंट आ रही है। अब हमारी साइड बॉडी आप देख सकते हैं पूरी। अभी हम सोच रहे फ़ाइनल करें या ना करें, मैं तो बोल रहा हूँ ठीक है थोड़ी सी लचक रहने दो। ये हमारा फ़ाइनल अब रिम टायर का और लो स्प्रिंग की हाइट हमने यही सजेस्ट की है, क्योंकि इसकी ट्रैवलिंग होगी लाहौर की तरफ तो बेहतर है, थोड़ी लचक होने के लिए स्पेस रिक्वायर्ड है। कॉइल ओवर नहीं है, स्प्रिंग है, अगेन वही बात आ जाती है कि कॉइल ओवर नहीं स्प्रिंग है। बस ये है जी, अभी फ़ाइनल हो गया, ये पुराने रिम पर सेल नहीं है। बाकी नई चीज़ें वर्कशॉप या इनके स्टोर में फिल वक्त यही है कि कॉइल ओवर्स का सेट, कैम्बर किट्स का सेट्स, और किसी का अपना स्टॉक कॉइल ओवर है उस पर कैम्बर की प्लेट लगवानी है वो लगवा सकते हैं जाहिद भाई के पास। इसके अलावा बाकी शॉक्स का छोटा मोटा जो भी काम है यहाँ पे आ सकते हैं। नंबर चाहिए हो तो फिर कमेंट्स में ले लेना, वैसे तो पहले भी इनकी शॉप की वीडियो बनी हुई है, आते रहते हैं हम लोग। तो बस यहाँ तक था आज का हमारा कंटेंट। जाहिद भाई बहुत शुक्रिया, काम हो गया हमारा। चलो काम भी अच्छा हुआ है, सेट भी अच्छा डल गया जी, अच्छा डल गया, बस ये कि और एक गो में हो गया, बाकी जो खोल जोड़ वाला हमारा शुक्र है आज ये काम नहीं हुआ। जी आपको पता है बार बार खोल जोड़ करनी पड़ती है, खोलना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जी हमें दें, नहीं कोई बात। ये था आज का व्लॉग हमारा थी, बस इसकी सेटिंग बनानी थी, लो स्प्रिंग परचेज करने थे, जाहिद भाई के पास चक्कर लग गया इस बहाने। तो बस अभी हम जाने वाले हैं, उम्मीद है आप लोगों को कंटेंट पसंद आया होगा। एक्सपेंस हमारा क्या आया है, 14,500 रुपये हमने स्प्रिंग के दिए, और वैसे तो वो चार्ज करते हैं लेबर, पर हमें लेबर चार्ज नहीं की है फिटिंग वगैरह की। तो बस ये अपडेट्स हैं, अपना रखें ख्याल, चैनल को करें लाइक एंड सब्सक्राइब, फिर करेंगे मुलाकात इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।